नमस्कार आप लाइव बिहार देख रहे हैं मैं हूँ मोहन तिवारी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कल पांच नवंबर रविवार का दिन बिहार की सियासत के लिए भी बेहद खास बनते आपको नजर आएगा क्योंकि कल एक तरफ मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको भाषण देते दिखाई देंगे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कोर वोटर यानी भूमिहार ब्राह्मण समाज बेगूसराय में एकजुट होकर आगामी 24 के चुनाव से पहले अपनी ताकत का एहसास बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को कराने जा रहा है और इस बार जो महापंचायत कल होने जा रही है उसमें सीटों को लेकर भी रणनीति बन रहे जा रही है कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आगामी 2024 के चुनाव में भूमिहार समाज के नेता उम्मीदवार बनने को लेकर अभी से ही ताल ठोकेंगे और वो कौन सी सीट जहा पर भूमिहारों की आबादी तो अधिक है लेकिन राजपूत समाज के नेताओं को टिकट थमा दिया जाता है यानी एक बात तो तय है कि इस बार 24 के चुनाव से पहले भूमिहार समाज तमाम राजनीतिक पार्टियों को यह दिखाने की कोशिश में लगा है कि इस बार अनदेखी किया तो इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे यानी कि वोट इधर से भी उधर जरूर हो सकता है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार जो कल महापंचायत बेगूसराय में होने जा रही है जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तरफ से बुलाई गई है जिसमें लाखों लाख की भीड़ जुटने वाली है इस भीड़ में ये भी तय होगा कि कैसे बिहार की नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जातीय गणना करके आंकड़ों में हेर फेर किया गड़बड़ी किया और भूमिहार समाज के आबादी को कम दिखाया लेकिन अब इसका विरोध भी होगा कहां से होगा तो कल बेगूसराय के महापंचायत से होगा और विरोध तो होगा ही लेकिन दस सीटों को लेकर जो रणनीति बनाई है है भूमिहारों ने यानि कि वो सीटें पर उनकी ताकत है। लेकिन मलाई कोई और जा समाज का नेता खा रहा है अब बर्दाश्त नहीं करेंगे इसके अलावा ब्राह्मण समाज के नेता भी जुटेंगे वो भी अपनी सीटों की दावेदारी इस बार ठोकेंगे केवल दो ही सीट ब्राह्मणों को है और क्या केवल दो सीट से ही वो मानेंगे अगर जातीय गणना के आंकड़ों को देखें अगर सरकारी ही आंकड़ों को देख लें तो एक तरफ फॉरवर्ड में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है तो ब्राह्मणों की लेकिन सीट कितनी है तो महज दो वहीं दूसरी तरफ भूमिहारों की आबादी की बात करें तो भले ही दो दशमलव आठ प्रतिशत दिखाई जा रही है सीटें कितनी हैं तो तीन राजपूत समाज की आबादी की बात करें तीन दशमलव चार सात प्रतिशत उनकी आबादी दिखाई गई है सीटें कितनी हैं तो सात जाहिर तौर पर इस बार भूमिहार ब्राह्मण जो है वो मजबूती के साथ अभी से मैदान में कूद गए हैं कि आगामी चुनाव में हमको हमारी सीटें चाहिए वो सीटें जो कभी परंपरागत तौर पर उनकी थी जहां से उनके नेता जीतते थे लेकिन बीच में दृश्य बदले कहानियां बदली राजनीति बदली तो फिर नेता भी बदल गए लेकिन 24 में दोबारा से उन सीटों पर दावेदारी भूमिहार और ब्राह्मणों की आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि कल ताकत भूमिहार और ब्राह्मण दिखाएंगे अपनी आबादी को लेकर और अपनी रणनीति को लेकर खासकर चिंता तो बीजेपी के लिए बढ़नी चाहिए कि बीजेपी के ये कोर वोटर हैं और अगर इनके अंदर असंतुष्टि बैठ गई और इनका वोट इधर से उधर हो गया तो फिर उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है उत्तर बिहार वो जगह जहाँ से भूमिहार का कोई सांसद नहीं है लेकिन इस बार ये समाज चाहता है कि पांच सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उनकी आबादी ज़्यादा है उन पांच सीटों में कम से कम तीन सीटों पर भूमिहार समाज के नेता को एनडीए टिकट दे वो उत्तर बिहार की पांच सीटें कौन हैं तो वैशाली मोतिहारी मुजफ्फरपुर महाराजगंज और सीतामढ़ी इसमें वैशाली मोतिहारी और महाराजगंज पर दावा भूमिहार समाज के नेताओं ने काफ़ी ज़्यादा ठोका है लेकिन बात अगर हम दक्षिण बिहार की करें तो दक्षिण बिहार में नवादा मुंगेर और बेगूसराय वो सीटें हैं जहां पर अभी सांसद हैं भूमिहार समाज के लेकिन इसके अलावा इनका ताल जहानाबाद और पाटलिपुत्रा लोकसभा पर भी है पाटलिपुत्रा जहाँ से रामकृपाल यादव सांसद हैं लेकिन इस बार भूमिहार भी दावेदारी कर रहे हैं जहानाबाद जहाँ से अरुण सिंह कभी सांसद थे इसके अलावा अन्य कई भूमिहार नेता सांसद हुए इस बार फिर से चाहते हैं भूमिहार समाज के लोग कि जो चंद्रवंशी जी हैं उनको हराने के लिए भूमिहार का कोई बड़ा लीडर एनडीए के तरफ से उतरे क्योंकि नीतीश कुमार तो वैसे भी अब महागठबंधन खेमे में चल गए हैं तो इन दस सीटों को लेकर एक तरफ भूमिहार कल जुटेंगे बेगूसराय में तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों की भी तो अपनी महत्वाकांक्षा है और उनकी बात करें तो मधुबनी झंझारपुर और दरभंगा मिथिला की तीन सीटों में दो सीटों पर दावा ठोक रहे हैं दरभंगा से तो अभी एक ब्राह्मण गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं लेकिन मधुबनी और झंझारपुर में इनका कहना है कि एक और सीट मिलनी चाहिए लेकिन अगर मिथिला में एनडीए किसी एक सीट पर ही समीकरण को देखते हुए ब्राह्मण को टिकट देना चाहती है तो वैसी स्थिति में भागलपुर पर भी ब्राह्मणों का दावा इस बार देखने को मिल रहा है इसके अलावा सिवान वाल्मीकि नगर और बेतिया यहाँ पर ब्राह्मण की आबादी अच्छी खासी है यहाँ पर चुनाव भी ब्राह्मण जीतते रहे लेकिन इन तीनों में से किसी भी सीट पर ब्राह्मण को अब नहीं उतारा गया 19 में लेकिन 24 में ये अनदेखी नज़रअंदाज ब्राह्मण भी नहीं करेंगे उनका भी कहना है कि इन तीन में से एक सीट तो उनको जरूर चाहिए और इसके अलावा बक्सर से अभी अश्विनी चौबे सांसद हैं और उस सीट पर भी ब्राह्मण को ही चौबीस में उतारना होगा बीजेपी खेमे से या एन डी खेमे से तो ये तैयारी ब्राह्मण और भूमियार के तरफ से की जा रही है खासकर चौबीस के चुनाव को लेकर और इन सीटों पर दावा मजबूती के साथ ठोका जा रहा है और एनडीए के लिए खासकर क्योंकि इनका साफ कहना है हम कोर वोटर किसके हैं हम कोर वोटर हैं एनडीए के बीजेपी के उनके सहयोगियों के लेकिन हमारे साथ क्या होता है अन्याय एक तरफ राजपूत वोट बैंक की बात करें तो सरकारी आंकड़े को देखें तो तीन दशमलव चार पाँच प्रतिशत उनकी आबादी है लेकिन सांसद कितने हैं तो सांसद हैं सात जिसमें बीजेपी से ही पांच हो जाते हैं इसके अलावा एलजेपी से एक और जेडीयू से एक लेकिन बात अगर भूमिहारों की करें तो इनकी आबादी सरकारी आंकड़े में दो दशमलव आठ छह है और इनके सांसद कितने हैं तो तीन मुंगेर जेडीयू नवादा एलजेपी और बेगूसराय बीजेपी महज एक बीजेपी के तरफ से और ब्राह्मण की बात करें तो सवर्णों में सबसे ज्यादा आबादी उनके तरफ से और सांसद कितने हैं तो महज दो एक अश्विनी चौबे हैं और एक गोपाल जी ठाकुर है लेकिन अब क्या ये महापंचायत अपने तमाम समाज को एकजुट करके क्या तमाम बिहार के राजनीतिक दलों पर प्रेशर बना पाएगी खासकर एनडीए पर इसके अलावा अगर बात करें जेडीयू डी के तरफ से तो एक राजपूत समाज के सांसद हैं इनकी कविता सिंह अब 24 में रहेंगी इनके साथ या बीजेपी में चली जाएंगी कुछ कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी इसके अलावा भूमियार समाज से वही मुंगेर से सांसद है ललन सिंह और ब्राह्मण समाज की बात करें तो इनके तरफ से कोई भी सांसद नहीं है वहीं आरजेडी की बात करें तो उन्नीस में इन्होंने तीन सीट वैशाली महाराजगंज और बक्सर यहाँ पर राजपूत को कैंडिडेट बनाया लेकिन ब्राह्मण भूमिहार और कायस्थ में किसी को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया क्या वो अनदेखी जारी रहेगी या कल महापंचायत के बाद इनके अंदर भी भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर कुछ नया बदलाव दिखेगा और उस बदलाव का असर यह होगा कि चौबीस में इनके तरफ से भी कोई टिकट इन्हें दिया जाए अब देखना होगा कि कल का महापंचायत कितना असर करता है कितना भीड़ जुटता है और उसका प्रभाव कितना पड़ता है लेकिन एक बात तो तय है भूमिहार और ब्राह्मण इस बार पूरी मजबूती के साथ मैदान में अड़े हुए हैं और खास वो तीन सीटें महाराजगंज वैशाली और मोतिहारी जहाँ से अभी राजपूत सांसद हैं लेकिन इनका कहना है कि इन सीटों पर आबादी राजपूतों की तुलना में भूमिहारों की ज़्यादा है तो इन सीटों को वापस भूमिहार समाज के नेताओं को देना चाहिए खासकर एन का कुनबा इस बार भूमिहार और ब्राह्मणों पर दाव खेले लेकिन क्या बीजेपी इस नए जातीय समीकरण के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगी बिहार सरकार के आंकड़े के जरिए ही टिकटों का समझौता करेगी और टिकटों का बंटवारा करेगी या फिर वो अपने ही फिर से मोदी मैजिक के सहारे ही मैदान में उतरेगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कल का इंतजार जरूर हमें करना होगा बन रही है लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें